कंप्लीट हो चुका है, बस छोटी मोटी बेसिक चीजें रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा घर बन चुका है और मैं कल रिटर्न मुंबई के लिए निकलने वाली हूँ। तो मुझे आज कुछ भी करके ये व्लॉग शूट करना है, इसलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज का होम टूर कैसे होने वाला है और किस तरीके से घर पे ये हम लोग ने घर बनाया है। हम लोग को बस घर चाहिए था कि गाँव में खुद का घर रहे, तो घर में आपको दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों दिखाऊंगी। और यहाँ पे दो भाई का घर है, यानी कि मेरे पापा का और मेरे पापा के भाई का, यानी कि मेरे अंकल का भी घर है बाजू में। तो दोनों साथ में ही बनाया है, सेम ही बनाया है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ए टू जेड हर चीज़ें सेम टू सेम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आपको पूरा होम टूर दे देते हैं। और कैसा लगेगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये रहा एंट्रेंस और ये रहा बाहर का व्यू, बाहर से किस तरीके से दिखता है। और लाइटिंग्स की वजह से तो घर में और भी ज़्यादा चांद चांद लग गए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साइड से टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई है। और जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे छोटी सी जगह बनाई है पानी भरने के लिए, और यहाँ पे तुलसी वगैरह रखने के लिए भी एक अच्छा सा पॉट बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बाहर से। फिर यहाँ पे स्टेयर्स भी आती है और एक पैसेज भी आता है, जो कि खड़े रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। आप लोगों ने एंट्रेंस तो देख ली कि किस तरीके से है, और ये आप स्टार्टिंग में ये डोर देख सकते हो, ये अभी 2 या 3 डेज पहले ही लगाया है। और ये मेरी मम्मी की सबकी चॉइस से ही, इसको जिस ईयर हम लोग की सबकी चॉइस नहीं थी, तो मुझे ये डोर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो जैसे आप घर में घुसते हैं तो ऊपर पापा ने ये अलग अलग कलर के लाइटिंग्स लगा लिए थे, और खास करके झूले के लिए या फिर बकरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पर लगा दिए है। और जैसे आप लोग आएंगे आफ्टर ऑफ तो आप अपना घर दिखा सकते हैं। तो जैसे कि आपने पूरा घर देख लिया, फिर अंदर आते के साथ ही थोड़ा सा मैं से, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना ही कोई पूजा हुई है ना ही कोई अभी तक थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जैसे आप लोग आएंगे ऊपर टाकी के लिए और थोड़ा बहुत स्टोरेज के लिए जगह बना के लिए है, यहाँ पे छोटा सा बेसिक लगाया है। और यहाँ पे आप जैसे कि आके देखेंगे तो ये शॉवर एरिया है, और यहाँ पे टाइल्स सब अच्छे से लगवा के शॉवर का भी कलेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है ये भी, और दरवाजे भी लगना अभी तक बाकी है। और यहाँ पे अपना कॉमन वॉशरूम है, जो कि होता ही है यहाँ पे, जब तक दरवाज़ा नहीं लगा है। तो इसके बाद आप जैसे ही अंदर आएंगे, बहुत बड़ी स्पेस है, फिर यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगना बाकी है, ये सब पॉलिश होना बाकी है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा वाला डोर लगने वाला है। तो जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे तो सबसे पहले फैन को बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे, ये गांव की खाटे जैसे हम बोलते हैं, ये बस पापा ने दी है कि उसके पापा अच्छे से सो सके, क्योंकि पापा जैसे ही रिटायर हुए वैसे गांव में ही हैं, ताकि ये पूरा घर अच्छे से हो सके। तो ये सब सामान क्लीन हो जाएगा जब सब ए टू जेड काम हो जाएगा, देन उसके बाद हर चीज़ होने वाली है। अभी कोई रहता नहीं है इस घर में, तो जैसे आप आएंगे तो आप ऊपर दिखा सकते हैं एक बार। यहाँ पे ऊपर स्टोरेज के लिए जगह बनाई है, और इसके बाद आप नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए जगह बनाई गई है। अभी तक सब वर्कर्स लोगों ने सब रखा हुआ है, तो हम लोग ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा किचन एरिया बनाया है, ये पूरा एल टाइप किचन बनाया है, ये बेसिन है,
ये पानी का कनेक्शन भी ले लिया है, अभी पूरा काम हो गया है मतलब ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ही विंडो है, अभी तक यहाँ पे सब विंडो में भी अभी तक खिड़की वो सब लगना अभी भी बाकी है, साइंस वाले विंडोज लगाने वाले हम लोग। तो यहाँ पे भी पूरा टाइल्स का काम किया गया है और ऊपर फैन भी लग चुका है, लाइटिंग्स भी लग चुकी है। तो ये तो हो गया हम लोग का घर, यानी कि ये मेरे पापा का घर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा के भाई का घर, यानी कि मेरे अंकल का घर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा ये बड़ी विंडो है और ऊपर भी आप दिखा सकते हैं कि ऊपर भी स्टोरेज के लिए जगह बनाई गई है और स्टोरेज के लिए अभी भी काम चल रहा है, इसमें ये सब सीढ़ी वगैरह भी अभी भी। और आप टाइल्स भी दिखा सकते हैं नीचे की, ऊपर भी सेम टू सेम थीम है, सेम कलर, बकरी के लिए जगह, झूले के लिए जगह बनाई है, बेल भी लगा दी और ये टाइल्स भी न्यू बिठाई है। दोनों घर में सेम कलर की सेम डिजाइन की टाइल्स है। यहाँ पे सब स्विच निकाल दिए है, अभी तो और भी लाइटिंग्स लगना बाकी है। फिर सेम जैसे आप लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पे जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, ये भी आप कोई ना कोई यूज के लिए ले सकते हो। वहाँ तो एज ऑलवेज वॉशरूम ही है। तो यहाँ पे भी छोटा सा बेसिन एरिया है, यहाँ पे भी शॉवर एरिया है। यहाँ की टाइल्स थोड़ी सी अलग बिठाई है, अलग कलर की लगाई है, बाकी सेम यहाँ पे भी सब कनेक्शन लिया है, शॉवर का भी कनेक्शन ले लिया है, यहाँ पे सब रखने के लिए बनाया है। और इसमें भी डोर्स लगना अभी भी बाकी है। फिर जैसे आप लोग एंटर करेंगे ये है किचन का डोर, इसमें भी सेम डोर यहाँ पे लगने वाला है, ये पूरे इसमें सेम डोर लगने वाला है और वो अभी तक हुआ नहीं, उसको और टाइम लगेगा। फिर जैसे अंदर आएंगे यहाँ पे स्विच सब बिठा के हो गया फैन के लिए भी, और यहाँ पे बस अभी तक फैन लगना बाकी है, हम लोग के घर में लग के हो चुका है। ये भी घर से पापा ने ही पूरा अरेंज किया है, जैसे रिटायरमेंट हुए वैसे ही दोनों भाई का पापा ने ही सब अरेंजमेंट कर लिया है इधर इधर के। ये अगेन यहाँ पे स्टोरेज के लिए एज ऑलवेज थीम है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज की वजह से यहाँ पे सिंगल वाला किचन यहाँ पे आया है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए विंडो नहीं है, इसलिए ऊपर से जिसे हम लोग विंडो कहते हैं वो निकाल के लिया है। फिर घर के बाजू के साइड से टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई है, जगह बनाई गई है, जो कि ऊपर भी हम लोगों ने पहले बंदोबस्त करके रखा है कि कभी फ्यूचर में ऊपर भी अगर कुछ बनाना है तो हम लोग बना सके। अभी तो सिंगल घर ही नीचे बनाए गए हैं और यहाँ पे रात को टेरेस पे सो भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा आती है। मेरे अंकल के किचन का खिड़की ऊपर से, और ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो देखो यहाँ से नीचे कुछ इस तरीके से दिखता है। लोग ने ये ब्लॉग देख लिया होगा, आपने अगर याद अलग ब्लॉग देखा है इसका मतलब आपको ये ब्लॉग पसंद आया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ फिर भी मैंने ये ब्लॉग आपके लिए शूट किया और कल मैं तुरंत निकलने वाली हूँ मुंबई, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हो सके उतने सारे ब्लॉग आज ही दिन में मैंने सब शूट कर लिया है। और आज सुबह में मैंने एक ऑलरेडी ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अगर आपने याद अलग ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके उतना इस ब्लॉग को शेयर करना। और आप लोगों का हम लोगों का घर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल गए, मुझसे मिलने आ गए हैं और मेरी दूर से आवाज़ सुन के वो लोग मुझे मिलने आ गए। तो कैसा लगा? भाई इन लोग ने मेरे पोल खोल दिया है, मैंने तो बोला था लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना। वो शर्मा रही थी ब्लॉग में आने के लिए, अब भाग गए सबके सब भाग गए। तो ठीक है गाइस, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
जैसे कि अभी बच्चों ने कहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।